जब तक ये जो कम्युनल फोर्सेस, ये सिर्फ अभी कश्मीरियों को प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मुल्क में आप देखिए, चाहे वो मईशत की हालत हो, चाहे वो किसानों की हालत है, या आप माइनॉरिटीज की जो है वहां पे हालत देखिए। एक और एनफोर्स, जिसे हम वेपनाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, चाहे वो CBI हो, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, इनको कैसे वेपनाइज किया गया है, और पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे तोड़ा जा रहा है। जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे जो है सबसे पहले अपनाया, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, फिर आपने देखा वही सेम मॉडल इन्होंने महाराष्ट्र में अप्लाई किया, वहां पे जो है NCP और जो शरद पवार की पार्टी थी उसको तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा। जो तो हमारे कहने का मतलब यह है कि कश्मीर में जिस पॉलिसी को ये अडॉप्ट करेंगे करते हैं, उसी पॉलिसी को फिर ये पूरे मुल्क में लागू करते हैं, और इसीलिए अगर कहीं लड़ाई जो स्टार्ट होगी वो जम्मू कश्मीर से होगी, और इसीलिए हम एक अलायंस का जो हिस्सा, इंडिया अलायंस का हिस्सा बने हैं। मुल्क में जो पूरी आवाज है, जो 70% आवाम है, वो खड़ी हुई है कम्युनल ताकतों के खिलाफ, जो हिंदुस्तान के आईन को बदलना चाहते हैं, हिंदुस्तान के आईन पे हमला करना चाहते हैं। हर बार का 370 तोड़ने से पहले इन्होंने क्या तोड़ा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ा, और एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको तोड़ा। और ये प्रेशर सिर्फ इसी अलायंस के लिए नहीं है, ये प्रेशर ये है क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा एक आवाज बन के खड़ी हुई है, जो लोगों के नब्ज और लोगों की जो दिल की जो बात है उसकी तर्जुमानी करते हैं, इस हरासान किया जाता है। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे तो कदगन लगी हुई है, हमारी आवाज तो दबी हुई है, मगर इसका मकसद सिर्फ एक है, ताकि महबूबा मुफ्ती जो है कश्मीरियों की और जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी ना कर पाए। क्योंकि ये एक देखिए, महबूबा मुफ्ती को तंग करने की कितनी कोशिशें की, एक 80 साल की जो लेडी बेगम, उनको जो है CBI घसीटा गया। क्यों क्यों? उसकी वजह यही थी क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा का दामन साफ निकला, करप्शन की एलिगेशन कोई नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पोरेस्ट चीफ मिनिस्टर निकली, इनको भी कोशिश की, इतनी एजेंसियां पीछे लगाई, 14 एजेंसियां जो है पीछे लगाई इनको चेक करने के लिए कि कहीं इनके पास कोई पैसा निकले, करप्शन में कोई चीज ना निकले। उसके बाद जब कोई कुछ नहीं निकला, फिर उनकी माँ को तंग किया, फिर पासपोर्ट बंद किया, फिर हमारे पार्टी के लीडरों को तंग किया कि सोग में बिल्कुल जो है साथ साथ हैं। कल भी जो इंस्पेक्टर साहब ईदगाह में जिनको जो गोलियों से छलनी किया गया, और आज भी पुलवामा में जो है जो एक नॉन लोकल लेबरर थे जिनको जो है जांबा किया गया, हम उनके सोग में जो है, हम उनके गम में दुख में बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। मगर इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आपने पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर में मस्कुलर पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, और उस मस्कुलर पॉलिसी का अगर हम आपसे एहतसाब मांगे कि जनाब अगर 4 सालों में क्या यहाँ पे अमुनासी आई, नहीं आई। आप देखिए जो डिस्ट्रिक्ट्स मिलिटेंसी फ्री डिक्लेयर किए गए थे, रजौरी पुंछ, आज उनमें मिलिटेंसी जो है रिवाइवल हुआ। आप देखिए टारगेटेड किलिंग ऑफ माइनॉरिटीज हुई है, हमारे नॉन लोकल लेबर जिन पे कभी कोई हमला नहीं हुआ, आज वो भी जो है सेफ अपने आप को नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को जो हरासा नहीं किया जाता है, हजारों नौजवानों को जेलों में नहीं डाला, मगर इसके बावजूद भी आप देखिए मिलिटेंसी जो की तू है। अगर मस्कुलर पॉलिसी होने के उसको अडॉप्ट करने के बावजूद भी हालात ठीक नहीं, तो हम अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। हेड शुड रोल, आखिर कौन जिम्मेदार है? अगर इतनी सख्ती के बाद, इतनी मिलिटराइजेशन के बाद, इतनी फौज के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो रहे, इसके जिम्मेदार कौन है? देखिए सिर्फ हमने बार बार ये कहा, इंतखाबात जम्मू कश्मीर का हल नहीं है। क्या यहाँ 70 साल तक इंतखाबात नहीं हुए? क्या इंतखाबात होने के बावजूद अमन आया? नहीं आया। तो हमने इन जो है इन पहलुओं को हमें अलग से देखना पड़ेगा। एक तो जो कश्मीर मसले का हल है वो इंतखाब से नहीं होगा, इंतखाब से लोगों की जो है जरूरियात पूरी होगी। और आप इसीलिए देखिए कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, उनको जमहूरियत से महरूम रखा गया है, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक ही रियासत, एक ही रियासत को जिसको डाउनग्रेड किया गया, एक ही रियासत जिसको जमहूरियत से महरूम रखा गया, एक ही रियासत जहां एक पर्टिकुलर तबके को जो है वोट से महरूम किया गया। और ये सिर्फ कश्मीर के लोगों की बात नहीं, जम्मू की जो है आवाज दबी हुई है, उनकी जो है वहां कारोबार उनका खत्म हुआ है। तो लोग पशेमान है, लोग नाराज हैं, लोग नाला हैं।